पुर हंस वाहनी पब्लिक स्कूल का यह पूरा मामला है। जालौन में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से सैकड़ों गांव के हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं। शासन ने इन प्रभावित इलाकों का सर्वे कराया और शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी गई है, जिसके बाद शासन ने क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा किसानों के खाते में भेजना शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कोंच तहसील में सरकार की ओर से भेजा गया मुआवजा किसानों तक पहुंचाया और किसानों को प्रमाण पत्र सौंपे। फसल सफेद कबा था, उसमें ओले पानी गिरने से नुकसान हो गया है और फसल पूरी नष्ट हो गई है। और उसमें हमारे सरकार ने हमें 10,880 का भुगतान किया है। भारी 1200 ओला दृष्टि, 250 ग्राम ओले पड़े, पूरा मौजा नष्ट है। सरकार द्वारा 15,997 धनराशि नंदकिशोर राजपूत हमारे खाते में आई। इनके गेहूं के खेतों में गेहूं गिर गया है, या जो मसूर खेतों में बोई हुई है, या मटर खेतों में पड़े हुए हैं, या कटी पड़ी हुई है, प्रभावित हुई है। लगभग 2000 लगातार सर्वे चल रहा है और 2000 किसानों को सर्वे हो चुकी है। में जो ओलावृष्टि हुई थी 20 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक, किसानों के करीब जो हमारे किसान हैं, 2000 किसान हैं, उनको ये सब फिल कर दिया गया, पैसा भी उनके यहाँ भेज दिया गया। 282 लोगों को जो प्रभावित हुए थे उनको चिन्हित करके वहाँ के लिए बाल उनके द्वारा ये रिपोर्ट आ रही है। वाटर वुमेन शिप्रा पाठक पर हमला, परमकुटी और रामेश्वरम के बीच में हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, पदयात्रा पर निकली हैं शिप्रा पाठक, अयोध्या से रामेश्वरम की यात्रा पर निकली हैं शिप्रा। काफिले में चल रही गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, यानी कि हमला किया गया है उन पर। बड़ी खबर आपको बता रहे, वाटर वुमेन शिप्रा पाठक पर हमला किया गया है, परमकुटी और रामेश्वरम के बीच में यह हमला हुआ है। फिलहाल स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पदयात्रा पर निकली है शिप्रा पाठक, अयोध्या से रामेश्वरम तक की पदयात्रा पर निकली है, तभी बीच रास्ते में उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी गाड़ियों पर हमला किया गया है। काफिले में चल रही गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। स्थानीय पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, वाटर वुमेन शिप्रा पाठक पर हमला हुआ है, परमकुटी और रामेश्वरम के बीच में यह हमला हुआ है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पदयात्रा पर निकली है शिप्रा पाठक, अयोध्या से रामेश्वरम तक वो पदयात्रा कर रही हैं और इसी पदयात्रा के दौरान परमकुटी और रामेश्वरम के बीच उनकी काफिले पर हमला किया गया है।